नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फूड विद टिप्स पे। आज हम आपको बताएंगे कि ढोकला कैसे बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ढोकला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बेसन, एक कटोरी सूजी, दही, राई, कड़ी पत्ता, चीनी, सादा नमक, हल्दी पाउडर, हींग और बेकिंग सोडा। ये मैंने यहाँ पे नींबू लिया है एक बड़ा और हरी मिर्च। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक खाली बर्तन ले लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे, उसके बाद चीनी, सादा नमक, चीनी यहाँ पे 2 बड़े चम्मच और 1 चम्मच मैंने नमक लिया हुआ है। फिर उसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सूजी डाल देंगे अपनी और दही, इसे फेंट कर डालना है हमें अच्छे से। मैंने इसे फेंट लिया है पहले ही, इसमें हम डाल देंगे और इसे मिला देंगे। हमें इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल जैसे हम पकौड़े के घोल पकौड़े बनाने के लिए घोल बनाते हैं बेसन का, वैसा ही घोल हमें इसका तैयार करना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट पे रख देंगे जिससे कि ये फूल जाएगा। तो इस पर चलिए इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। चलिए आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन गया है और अच्छे से फूल भी गया है। चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बर्तन लिए हैं ढोकले वाले, ढोकले को बनाने के लिए बाज़ार में जाते हैं। आप चाहे तो कुकर में या फिर कढ़ाई में भी अपने ढोकले को बना सकते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसे प्री हीट होने के लिए या गर्म होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे। तेल लगा लिया है, अब हम इसमें अपना बैटर हमारा बनके तैयार है। बाकी का सामान इसमें डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, हींग 1 चुटकी,
उसके बाद हमने जो यहाँ पे खाने का सोडा लिया था बेकिंग सोडा, उसमें हम नींबू काटेंगे और नींबू का काट के उसमें उसका रस उसमें सोडे में डाल देंगे। जैसे हम नींबू का रस सोडे में डालेंगे उसमें बबल्स आएंगे और इसको तुरंत के तुरंत हमें अपने मिक्सचर में डाल देना है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। रस सारा इसमें डालने के बाद तुरंत इसको अपने मिक्सचर में डाल दें। और अच्छे से मिला लें। मिला लिया है हमने ये अच्छे से। इसके बाद हमें इसे चलिए कुकर देख लेते हैं। हमारा पानी उबल चुका है, आप देख सकते हैं पानी एकदम उबल चुका है। हमने अपना जो हमने सोडा और नींबू का मिक्सचर बनाया था वो हमने डाल दिया है। याद रहे उसको डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं मिलाना है और तुरंत से हम इसको अपने तेल में डाल देंगे जिसमें हमने तेल लगा के उसको तैयार किया था। पूरा देख भर जाएगा। और हमारा पानी भी उबल चुका है, चलिए इसको अंदर डाल देते हैं। क्या करूँ, देख सकते हैं आप हमने अंदर डाल दिया है। अब इसे ढक के रख देंगे और पकने देंगे। इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो पकने देते हैं। चलिए तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। और देख सकते हैं ये अच्छे से फूल गया है, तो इसको हम किसी कांटे या टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। पूरा अंदर तक डालें और अगर देखिए ये साफ़ निकल रही है पूरी, अगर ये पूरी साफ़ निकल रही है इसका मतलब ये पक चुका है। तो चलिए एक और तरह से आपको दिखा देते हैं। देखिए पूरा साफ़ है, पक चुका है ये पूरी तरह से। तो इसको ढक देते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। जब तक हमारा कुकर ठंडा हो रहा है चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसमें तेल डालेंगे थोड़ा, तेल को गर्म होने दें। तेल हम गर्म हो चुका है हमारा, इसमें राई डाल देंगे, करी पत्ता, उसके बाद थोड़ा सा पानी, करी पत्ता भी डाल दिया हमने इसमें। चलिए चीनी डाल देते हैं। और अपनी हरी मिर्च, हरी मिर्च बीच में से फाड़ के डालनी है और इसे थोड़ा सा उबलना है। तो जब तक हमारा ये उबल रहा है चलिए हमने ढोकला निकाल लिया है कुकर में से, इसको निकाल लेते हैं कि साइड्स को पहले एक चाकू की मदद से साइड्स को कट कर लेंगे। देख सकते कितने अच्छे से ये फूला है, बहुत ही स्पंजी बना है। ये साइड से हटा लिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब तक के लिए। इसको हम पलट कर इस पर थाली पर रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, चलिए इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे पीछे से फिर उठाएंगे। और देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गया है, बहुत ही स्पंजी बना है। अब इसको दूसरी साड़ी से ढक के पलट लेंगे। इसे काट लेते हैं।
जो भी होता है। इसके ऊपर जो हमने तड़का तैयार किया था वो डाल देंगे। जो हमने मिर्ची डाली थी अपनी लड़की में वो रख देंगे। देख सकते हैं कितना स्पंजी हुआ है। हमारा ढोकला बनके एकदम तैयार है। आप इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं और गार्निश करके। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।